Morning students, today we will study a new unit of power system, that is load flow studies. Okay? This is very important topic in power system and very interesting also. So in the start of this unit, first of all we will study the bus classification. We will start from bus classification. So what is bus? Bus is a node at which one or many lines, loads, generators are connected. Bus is identified, indicated by a vertical line, okay, at which several components are connected. तो इसका मतलब क्या है कि बस होती क्या है? बस जो है एक्चुअल में एक ऐसा हमारा पावर सिस्टम का एलिमेंट है जिसको हम लोग यदि एक नॉर्मल भाषा में कहें तो ये एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने वाला हमको नोड है. और यदि हम इसमें कुछ पावर, एक्टिव या रिएक्टिव पावर हम इसमें डाल दें या कुछ एक्टिव रिएक्टिव पावर हम इसमें से ले लें तो भी इसके वोल्टेज में कोई एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता है. इसका वोल्टेज तब भी कांस्टेंट ही रहता है. मतलब हम इसमें से कुछ पावर दे दें या इसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल पावर ले लें पर इसका जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. और यदि हम इस चैप्टर के हिसाब से बस के बारे में बात करते हैं तो बस क्या है? इट इज ए नोड. एक्चुअल में सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक नोड है जिसमें एक या एक से ज्यादा, मतलब कई भी हो सकती हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स जुड़ी रहती हैं. लाइन्स मतलब ट्रांसमिशन लाइन्स. कई लोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं. और जनरेटिंग स्टेशंस मतलब जनरेटर्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं, एक भी या ज्यादा भी कनेक्टेड हो सकते हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बस में ये सारी चीजें कनेक्टेड हो. किसी बस में हो सकता है सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड हो, किसी बस में हो सकता है कि सिर्फ लोड कनेक्टेड हो, किसी बस में हो सकता है कि जनरेटर कनेक्टेड हो, या किसी बस में किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन इनमें से कनेक्टेड हो सकता है. ठीक है, बस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अपन वन लाइन डायग्राम में बस को एक ऐसे वर्टिकल लाइन से, थोड़ा थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉर्मल कंडक्टर की तुलना में थोड़ा थिक होता है. कई बार ऐसा भी शो कर देते हैं और यहाँ से ऐसा लगा देते हैं कि यहाँ पे क्या कनेक्टेड है या यहाँ से ऐसा क्या कनेक्टेड है. तो ये वाली जो पोर्शन कहलाता है, ये जो थिक लाइन है ये कहलाती है बस. यदि ये हमारी थिक लाइन है ये कहलाएगी बस. ठीक है, और इस थिक लाइन में हम लोग कई सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं. कंपोनेंट्स मैंने बता दिया, ट्रांसमिशन लाइन, लोड्स या जनरेटर, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो बस से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो ये बस तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये समझ में आ गई होगी कि इसका वोल्टेज जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसको अपन एक थिक लाइन से शो करते हैं. अब यदि अपन उसके क्लासिफिकेशन में आते हैं तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज, सिंपल सी चीज़ जान लें कि बस के स्टडी में, पावर सिस्टम स्टडी में फोर बेसिक क्वांटिटीज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? पहला है पावर, विच इज एक्टिव पावर. ठीक है, अपन जानते हैं एक्टिव पावर. दूसरा होता है क्यू, दैट इज रिएक्टिव पावर. तीसरा होता है वी का मैग्नीट्यूड, हम उसको ऐसे लाइंस के अंदर शो करते हैं. तो ये क्या है? वोल्टेज मैग्नीट्यूड. और जो चौथी क्वांटिटी है वो कहलाती है डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो हमारा जो लोड फ्लो स्टडी जब भी होता है तो इस लोड फ्लो स्टडी में इन चार बेसिक क्वांटिटीज में से कोई दो क्वांटिटीज हमको, कोई भी दो क्वांटिटीज हमको स्पेसिफाई रहती हैं, उनकी वैल्यूज हमको मालूम रहती हैं, ये एक दो तीन चार में से. और कोई दो क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमको फाइंड करनी रहती हैं. तो कोई भी दो क्वांटिटी जो मेंशन की गई है, स्पेसिफाई की गई है, उसकी सहायता से हम लोग बस का क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो अब अपन बस का क्लासिफिकेशन देखें. इन्हीं चार क्वांटिटीज में से जो दो क्वांटिटी स्पेसिफाइड है कौन कौन सी होती हैं? तो एक बस होती है वो कहलाती है लोड बस. व्हाट इज लोड बस? इसको हम एक और नाम देते हैं, पी क्यू बस भी बोलते हैं. पी क्यू बस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमको पी पहले से पता होता है, क्यू हमको पहले से पता होता है. ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या स्पेसिफाई है? पी और क्यू पहले से स्पेसिफाई रहती है, हमको फाइंड करना रहता है वोल्टेज और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसका
एंगल ये हमको फाइंड करना रहता है। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं तो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। लोड फ्लो स्टडीज उसी लिए बनाई गई है कि हम लोग इसको फाइंड कर सकें। ठीक है, दूसरे टाइप की जो बस होती है वो कहलाती है जनरेटर बस। ठीक है, तो जनरेटर बस, जनरेटर बस को क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको अपन पीवी बस भी बोलते हैं। पीवी बस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पी और वी जो होता है वो स्पेसिफाई रहता है पहले से। ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और रियल पावर जो होता है वो स्पेसिफाई रहता है, और हमको जो फाइंड करना रहता है तो वो रिएक्टिव पावर फाइंड करना रहता है, और फेज एंगल ऑफ वोल्टेज हमको इसमें फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो ये मेजर जो बसेस हैं, ये दो बस होती हैं जो सबसे ज्यादा मेजर होती हैं। एक टाइप की और बस होती है जिसको अपन बोलते हैं स्लैक बस। ठीक है, तीसरी बस कहलाती है स्लैक बस। इसमें जो क्वांटिटीज स्पेसिफाई रहती हैं वो रहती है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ऑफ द मैग्नीट्यूड। इसमें हमको पी और क्यू जो रहता है वो फाइंड करना रहता है। तो ये दोनों स्पेसिफाइड क्वांटिटीज हैं और ये दोनों हमको फाइंड करना रहता है। ठीक है, अब स्लैक बस जो होता है वो एक्चुअल में क्यों होता है और उसका क्या यूज है ये आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन स्लैक बस में जनरली जो वोल्टेज होता है इसी को अपन लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक नाम और है उसका, और इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस बस। ठीक है, इसको अपन रेफरेंस बस भी बोलते हैं, क्योंकि हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को जनरली वन पर यूनिट ले लेते हैं। हम लोग यहीं से इसको रेफरेंस ले लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, और इसके कंपैरिजन में बाकियों का अपन वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, जनरली इसके एंगल को कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस जीरो भी लेते हैं, और उसके कंपैरिजन में फिर हम बाकी सबका जो है वो एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास जनरेटर बसेस से जनरेट होने वाली पावर्स तो अपने को पता है। ठीक है, लोड बस में अपने कंज्यूम होने वाली पावर भी हमको पता है, लेकिन हमारे जो लॉसेज होंगे, क्योंकि सिर्फ जनरेटर और लोड ही नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ जनरेटर लोड बसेस नहीं है हमारे पावर सिस्टम में, बल्कि ट्रांसमिशन लाइंस भी हमारे सिस्टम में कनेक्टेड रहती हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में अपन जानते हैं कि लॉसेज भी होते हैं। ठीक है, हम जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसमें भी लॉसेज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस के बारे में तो इन दोनों बसेस से कोई हमको जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बता रहा है कि कितनी पावर जनरेट हो रही है, ये बता रहा है कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। तो टोटल जनरेटेड पावर इज नॉट इक्वल टू टोटल कंज्यूम्ड पावर। मतलब हम यदि उसको ऐसा लिखें कि जनरेटेड पावर और जो कंज्यूम या लोड की पावर है उसको अपन पावर डिमांड की तरह, डी मतलब डिमांड, तो लोड पावर जनरेटेड इज नॉट इक्वल टू पावर डिमांड। ठीक है, बल्कि होता क्या है, जनरेटेड पावर इज इक्वल टू पावर डिमांड प्लस पावर लॉस होता है, और हमको पावर लॉस के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो इस पावर लॉस को कौन कंपनसेट करेगा इसमें, तो इस पावर लॉस को कंपनसेट करने के लिए लगी रहती है स्लैक बस। ठीक है, तो एक स्लैक बस अपन अलग से लेते हैं, और ये सिर्फ एक ही होती है। मतलब ये बसेस बहुत सारी हो सकती हैं, ये बसेस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो स्लैक बस होती है वो पूरे पावर सिस्टम में सिर्फ एक अपन अज्यूम करते हैं, सिर्फ एक ही होती है ये पावर स्लैक बस। ठीक है, और ये क्यों होती है, टू कंपनसेट पावर लॉस। तो पावर लॉस के बराबर की पावर को ये इंजेक्ट करता है, और बाकी ये दोनों अपने आप को फिर बैलेंस कर लेते हैं। तो इस कारण से स्लैक बस जो है बहुत इंपॉर्टेंट बस है, इसको अपन रेफरेंस बस भी बोलते हैं, और इसका मेन पर्पज है टू कंपनसेट द पावर लॉस। पावर लॉस कहाँ होते हैं, तो पावर सिस्टम में कई सारे जगह पर पावर लॉस हो सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस बस को कैसा लेते हैं, तो जनरली रेफरेंस बस को अपन रेफरेंस मानते हैं, वन एंगल जीरो मान करके चलते हैं। यदि कोई वैल्यू दी है तो वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज अपन वन एंगल जीरो मान करके इसको चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीन टाइप की बसेस हुई। यदि इनको अपन समराइज करना चाहें एक टेबल में, तो इस प्रकार से मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल से आप लोग उसको समराइज कर सकते हैं। ये वाला जो कॉलम है ये बस का टाइप है, ये क्वांटिटीज जो स्पेसिफाई रहती है पहले से, और एक वो क्वांटिटीज जो हमको उस बस के लिए ऑप्टेन करना रहता है, फाइंड करना रहता है। तो सबसे पहली बस है लोड बस। लोड बस में क्या क्या पता रहता है, तो इसमें अपने को एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर स्पेसिफाई रहती है। ठीक है, और हमको क्या निकालना रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और एंगल ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये हमको फाइंड करना रहता है। दूसरी बस कौन सी है, तो दूसरी बस है ये हमारी जनरेटर बस, जिसको अपन पीवी बस भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या स्पेसिफाई रहता है, तो इसमें एक्टिव पावर और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई रहता है जनरेटर बस में। ठीक है, और हमको क्या निकालना रहता है, हमको रिएक्टिव पावर और फेज एंगल ऑफ
वोल्टेज हमको फाइंड करना रहता है। तीसरी बस जो हम क्या करते हैं, स्लैक बस। जिस स्लैक बस को हम अज्यूम करते हैं, और ये कुल मिलाकर सिर्फ एक ही होती है पावर सिस्टम में, इस स्लैक बस में हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल फिक्स रहता है, और इसमें हम लोग एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को फाइंड करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है स्लैक बस का, अभी मैंने बताया, टू कंपनसेट द पावर लॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बसेस, बस क्लासिफिकेशन। आई होप यू मे अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा सबसे पहले बस किसको बोलते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, इन चार क्वांटिटीज के बेसिस पे, उसमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज स्पेसिफाई है उसके हिसाब से बस का क्लासिफिकेशन होता है, और ये एक सिंपल से टेबल के फॉर्म में अपन ने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।